हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक है? तो लास्ट वीडियो हम बात कर रहे थे रोबोट्स के बारे में। तो रोबोट्स किस चीज़ से रेडी होता है वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको। तो इसमें सबसे मेन पार्ट होता है आर्डियोनो। तो आर्डियोनो क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आर्डियोनो एक सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर भी है। आर्डियोनो का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करना। इसमें इनपुट और आउटपुट प्रोसेस का काम आर्डियोनो बोर्ड का होता है। तो आर्डियोनो बोर्ड क्या है? इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फिज़िकल कंपोनेंट हैं उसमें बहुत से कंपोनेंट जुड़े होते हैं, उसे आर्डियोनो बोर्ड कहते हैं। और सभी आर्डियोनो बोर्ड का एक ही काम होता है, माइक्रो कंट्रोल को शेयर करना। उसके बाद आर्डियोनो आईडीई होती है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। आईडी सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके उसको प्रोग्रामिंग के लिए आर्डियोनो बोर्ड में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आर्डियोनो स्केच, जो प्रोग्राम के लिए कोड हम आईडीए में लिखते हैं। वो कोड अल्टीमेटली लोड होता है माइक्रो कंट्रोलर में और वो आर्डियोनो बोर्ड में प्रोग्राम होता है। उस कोड को कोडिंग लैंग्वेज में स्केच कहते हैं। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। इसमें माइक्रो कंट्रोल बोर्ड होता है, वो यूएसबी केबल कंप्यूटर को कनेक्ट करके माइक्रो कंट्रोल और कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल पावर जैक होता है, उसमें पीसी बैरल प्लग होते हैं, सेंटर पॉजिटिव रिकमेंडेड 9 वोल्ट और 12 वोल्ट का बैटरी होता है। उसके बाद इसमें सेंसर होते हैं, प्रोसेसर होता है, एक्चुएटर होता है, डीसी मोटर होते हैं, पावर सोर्स में बैटरी होती है, बॉडी चेसिस होता है। उसके इसमें कंपोनेंट होते हैं, जो इसमें इनपुट और आउटपुट प्रोसेस होता है। उसमें फिर GPIO पिन्स होती है। आर्डियोनो में इनपुट आउटपुट जो पिन होती हैं उसको GPIO पिन्स बोलते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट पिन्स। तो GPIO पिन के बाद इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंसर्स। सेंसर्स में आर्डियोनो सेंसर्स होता है और रोबोटिक सेंसर्स होता है। तो इनका काम होता है कि जो भी चीज़ें डिटेक्ट करके उसको रीड करना और फिर उसको उसका जो है उसको आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करना, ये सेंसर्स का काम होता है। तो इसलिए रोबोट्स में सेंसर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।